हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ये आपके नए रीवैम्प्ड मिनी टेस्ट जो है मैड का ये चौथा मिनी टेस्ट है एंड इसको हम थोड़े रीवैम्प्ड फॉर्मेट में कर रहे हैं। राइट, वी विल बी गिविंग यू 5 questions अ वीक जो कि हम संडे को जो आपका टेस्ट सीरीज़ का एक प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है वहाँ पे हम ये क्वेश्चंस डाल दिया करेंगे। GS 1, 2, 3, 4 के 4 questions होंगे। राइट, 1 from GS 1, 1 from GS 2, 1 from 3 एंड 1 from 4 एंड साथ ही में एथिक्स की एक केस स्टडी। राइट, ताकि आप लोगों की एक होलिस्टिक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए ताकि आप हर डायमेंशन के अंदर अपने आंसर्स को जितनी अच्छी तरह से लिख सकते हो उतनी अच्छी तरह से लिख पाए, इसलिए ये इनिशिएटिव जो है थोड़ा रिवैम्प किया गया है। राइट, ऑल्सो वी विल ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो अबाउट ऑल दी अदर इनिशिएटिव जो हम चला रहे हैं। राइट, वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज जो कि चल रहे हैं मंडे टू फ्राइडे। कंप्लीट जनरल स्टडीज जो है डाला जा रहा है। राइट, पॉलिटी के इकोनॉमी एंड पॉलिटी के वीडियोज जो हैं अभी यूट्यूब पे फ्री डाले जा रहे हैं। राइट, जो कि आपका प्री का मेन्स जो है पूरा कवर करते हैं। राइट, सो प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोज। राइट, उनको देखिए, दीज आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में जो हमारा प्रीमिक्स इनिशिएटिव था हम इसको दोबारा लॉन्च कर रहे हैं जो कि जिसके अंदर हमारे 5 prelims ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं डाले जाएंगे। राइट, ऑन ऑल वीकडेज मैड शुरू हो रहा है जहाँ पे कि जैसे आपको बताया 5 main रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर हफ्ते डाले जाएंगे। साथ ही में सैटरडे को जो है वीकेंड स्पेशल होगा, यहाँ पे वीकली CSAT होगी आपकी। एक CSAT का टॉपिक पूरा कराया जाएगा, स्कीम एनालिसिस होगा, साथ ही में पूरे हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनका एक इनडेप्थ एनालिसिस जो है वो दिया जाएगा आपको हर सैटरडे। प्लस यू कैन ऑल्सो लुक एट आर ऑप्शनल कोर्सेज सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के जो कि अभी हैं। राइट, वी विल बी सून पुटिंग आउट मोर वीडियोज फॉर द सेम। राइट, पेड कोर्सेज के अंदर हमारे प्रीलिम्स के 2019 के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। राइट, ये हमने ऑलरेडी इनिशिएटिव शुरू कर दिया है क्योंकि जैसे कि आपने 2018 के प्रीलिम्स में देखा होगा, प्रीलिम्स अब क्रैक करना इज नॉट एन ईजी टास्क। राइट, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, आपको अब्रेस्ट रहना है विद ऑल काइंड ऑफ करंट अफेयर्स एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एंड ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें, मोर एंड मोर क्वेश्चन देखते जाए। राइट, इसीलिए हमने ये जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है इतनी जल्दी लॉन्च की है एंड हमारे जितने भी पहले 6 tests हैं, यू नो, इन केस आपकी प्रेपरेशन अभी ढंग से शुरू नहीं हुई है, वो सारे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है क्योंकि न्यूज़पेपर तो आपने हर रोज़ पढ़ना ही है। राइट, तो आप ये भी देख सकते हैं क्या आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ रहे हैं, क्या आप करंट अफेयर्स के साथ इन टच हैं। राइट, सो दैट विल रियली हेल्प यू। साथ ही में हमारा मेंस 2018 का GS का क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। मेंस के 2019 का अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगा एंड सोशियोलॉजी का फॉर मेंस क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर मेंस 2018। राइट, लेट्स वेरी क्विकली मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, आज हमारा GS 1 का क्वेश्चन डील्स विद द आइडिया ऑफ टेंपल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये क्वेश्चन बोलता है डिस्कस द टेंपल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। राइट, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट के इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना हो स्ट्रक्चरली कैसे देखेंगे। पहले ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन। राइट, बहुत ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा एटमोसफेयर बांधे, राइट, एनवायरमेंट सेट करें कि किस तरह से आपने जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है, बहुत ज़रूरी होता है ये। राइट, तो आपको इलैबोरेट इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी, जस्ट 2-3 lines विच विल एक्चुअली सेट द फाउंडेशन फॉर द आंसर दैट हैज टू फॉलो अप। राइट, फिर आएगी आपकी बॉडी जिसके अंदर आपके मेन जो पॉइंट्स है वो होंगे। राइट, मेन पॉइंट्स में इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि टेम्पल रिफॉर्म होता क्या है। राइट, और ये कैसे डिफरेंट था फ्रॉम अदर मूवमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया, मेन डिफरेंस क्या था। एग्जाम्पल्स देखेंगे, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी देखेंगे, सोशल रिलीजियस एंड जेंडर। राइट, एंड साथ ही में एंड में कंक्लूजन, एक कंक्लूडरी पैराग्राफ जो कि राउंड ऑफ कर देगा पूरे इस आंसर को। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर नाउ। राइट, इंट्रोडक्शन में हम शुरू करते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट है, राइट, उसको एक फेज ऑफ रेनेसां इन इंडिया माना जाता है। राइट, रेनेसां जैसे यूरोप में आई थी 19th century के अंदर, जो रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स यहाँ पे चली, राइट, दे आर सीन एज एन इंडियन फॉर्म ऑफ रेनेसां विच वर एक्चुअली डायरेक्टेड टूवर्ड्स द रिफॉर्म ऑफ द इंडियन सोसाइटी। एंड जो टेम्पल्स हैं, राइट, टेम्पल्स को दे आर नॉट मेयरली सीन एज साइट्स ऑफ रिलीजन बट दे वर ऑल्सो साइट्स ऑफ सोशल ईविल एंड ऑप्रेशन। इसीलिए टेम्पल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थी, राइट, ये एक फॉर्म ऑफ मूवमेंट बन गई ऑफ रीजेनरेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। राइट, टेंपल रिफॉर्म मूवमेंट्स अब होती क्या है। टेंपल रिफॉर्म मूवमेंट इंक्लूडेड टेंपल एंट्री मूवमेंट्स फॉर द लोअर कास्ट। राइट, डिप्रेस कास्ट को जो एंट्री नहीं अलाउड होती थी इन टेंपल्स के अंदर। राइट, एज वेल एज एंडिंग ईवल्स लाइक करप्शन एंड द देवदासी सिस्टम दैट इन्फेस्टेड द टेंपल्स इन इंडिया। अनलाइक अदर मूवमेंट्स, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, अनलाइक अदर मूवमेंट्स इन द कंट्री इन कॉलोनियल इंडिया, द टेंपल रिफॉर्म मूवमेंट स्टूड अगेंस्ट द एनिमी विद इन।
and in fact many a times look to the British for support as well as emancipation. ठीक है, तो unlike the political movement, the national struggle जो शायद चल रही थी, जो जो आपकी temple reform movement थी, उसका enemy actually rested within, right? This enemy came in the form of religion. ठीक है, चाहे आपके priests हो या associated religious institutions हो, चाहे ये caste का form ले, ठीक है, क्योंकि depressed caste को अंदर नहीं आने दिया जाता था, या फिर ये gender के form में हो, जहाँ पे जो Indian patriarchy थी वो जेंडर को इस तरह से कर्ब करके रख रही थी. एंड मेनी अ टाइम्स लाइक मेनी अदर रिफॉर्म्स स्पेशली टू डू विद ऑल ऑफ दिस, राइट, चाहे वो कास्ट के अंदर हो, जेंडर के अंडर हो, यू नो, अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज अलाउ करना, राइट, तो यहाँ पे जो आपके कलोनियल मास्टर्स थे, अ लॉट ऑफ दिस पीपल एक्चुअली लुक टू देम और उनका सपोर्ट फॉर इमेंसिपेशन, राइट. सो अनलाइक अदर पोलिटिकल मूवमेंट्स जो कि एनिमी ऑन द आउटसाइड, जो ब्रिटिश थे उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, दे वर मोर डायरेक्टेड टूवर्ड द एनिमी ऑन द इनसाइड, एंड द सोशल रिलीजियस ईवल्स जो कि हमारी सोसाइटी को फ्रैगमेंट करते उनके अगेंस्ट थे, राइट. मूविंग ऑन नाउ द मेन बॉडी, द लीड इन टेम्पल रिफॉर्म मूवमेंट्स वॉज एक्चुअली टेकन कहाँ पे, इन प्रेजेंट डे केरला. द टेम्पल एंट्री मूवमेंट ऑफ द 1920s एंड 30s इन केरला साउथ इंडिया बिकेम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर इट्स यूनिकनेस एज वेल एज स्वीपिंग सक्सेस. ठीक है, तो हिस्टोरिकली केरला या जो फॉर्मली आपको ट्रावनकोर स्टेट था आपका, राइट, उसके अंदर जो था ये टेम्पल रिफॉर्म मूवमेंट जो थे, स्पेशली जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी, वो बहुत ही जोरों से चली थी, एंड बहुत ही ज़्यादा जो है बोथ इन टर्म्स ऑफ सोशल एज वेल एज पोलिटिकल रिफॉर्म, इसने एक लैंडमार्क मूवमेंट जो थी ये साबित हुई थी. अनदर रेवोल्यूशन एक्चुअली केम इन द फॉर्म ऑफ श्री नारायण गुरु, राइट, हु फॉट फॉर द कॉज ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट ऑफ एजावास. ठीक है, और ये जो एजावास थे, ये डिप्रेस्ड कास्ट थे कहाँ पे, केरला में. नारायण गुरु started establishing temples in which gods or their images had no place. So, idol worship ke ekdam khilaaf the. Saath hi mein, he started establishing, right, he established the first temple by installing stone from a nearby stream. Theek hai, saath hi mein, inka jo ek sabse important slogan mana jata hai, jo inhone advocate kiya, one caste, one religion and one god for all. राइट, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट आती है, दैट इज योर वाईकॉम सत्याग्रह ऑफ 1924-25, विच वाज लेड बाय टी के माधवन. इस टाइम पे 1923 में आपकी जो केरला के अंदर एक कांग्रेस कमेटी थी, राइट, उन्होंने अपना गोल सेट कर दिया था कि हम अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, राइट. इन दिस बैकग्राउंड टी के माधवन, हु वाज अ सिविल एक्टिविस्ट, ठीक है, बहुत ही एक प्रोमिनेंट इंसान थे, राइट, उन्होंने एक हिस्टोरिक स्ट्रगल फॉर दलित राइट्स जो है टू यूज पब्लिक रोड क्लोज टू द वाईकॉम महादेव टेम्पल जो है उसके लिए सत्याग्रह शुरू किया, सॉरी, एक्सक्यूज मी, जिसके बाद फाइनली जो है, जो टेंपल एंट्री प्रोक्लेमेशन थी, जो ट्रावनकोर गवर्नमेंट की फाइनली आई, उसकी तरफ ये पुश किया. ठीक है, ये साथ ही में जो मूवमेंट थी, इट वाज अ मूवमेंट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. दोनों ही गांधी जी एज वेल एज नारायण गुरु ने सपोर्ट लैंड किया था टू दिस मूवमेंट. अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एक और सत्याग्रह जो था वो शुरू हुआ था कहाँ पे, गुरुवायूर में, और ये कब शुरू हुआ, 1 नवंबर 1931 में. यहाँ पे क्या थी मूवमेंट, ये मूवमेंट चाहती थी एंट्री इनटू द गुरुवायूर टेंपल फॉर ऑल कास्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन. ठीक है, तो इस इन तरह की पॉपुलर जो स्ट्रगल्स थी, इनके कारण क्या हुआ, इनके कारण फाइनली जो टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन थी वो मेड, इट वॉज मेड इन नवंबर 1936 इन द स्टेट ऑफ ट्रावनकोर. ठीक है, तो जो महारानी ऑफ ट्रावनकोर थी, उन्होंने फाइनली, she opened the doors to the temples for all castes in November 1936. Baki all reformers ne bhi in various parts of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, etc., unhone advocate kiya ending the system of devdasis, theek hai, who were attached to the temples, basically ek caste se, right, particularly young girls jo thi, inko ye temple service mein bheja jata tha. It was a more glorified form of prostitution wherein these girls were exploited by priests, by the rich men of the clan, etc., right. So ek ye bahut hi exploitative jo practice thi, iske against bhi reformers ne apni awaaz uthai. Saath hi saath mein unhone demand kiya ki jo wealth of the temples hai usko nahi amass kiya jana chahiye by the priests, but the public should also exercise control over it, right. Impact on the society, 1928 mein ek royal proclamation issue kar di gayi jiske karan jo backward caste thi, they now had the right to walk on public roads finally, aur jo temples the inko bhi khol diya gaya 1936 by the proclamation, right. Ye jo movement thi ek watershed hai in the history of emancipation of depressed castes classes, especially Kerala ke andar, right. It was the first time ki ek jo organized movement thi wo hui on such a large scale for the civil rights of untouchables and other backward castes in Kerala,
राइट. साथ ही में जो मूवमेंट थी इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन एक्चुअली रिलीजिंग वुमेन फ्रॉम सर्टेन कास्ट हु वर फोर्स्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन द नेम ऑफ रिलीजन. साथ ही में जो डिप्रेस कास्ट एज वेल एज जो वुमेन थी इनको एक लाइफ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल एज डिग्निटी अश्योर करने की इस मूवमेंट ने कोशिश की. राइट. तो पहली बार एक नेशनल मूवमेंट को इस इन मूवमेंट्स ने एक सोशल और रिलीजियस जो एंगल था जो कि इस इंडियन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसके अंदर ये जो था योगदान दिया. राइट. इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी वर अ मूवमेंट ऑफ असर्शन. ठीक है. उनके राइट्स असर्ट करने की. राइट. असर्शन फॉर द कम्युनिटीज जो कि बहुत टाइम से ओप्रेस थी. राइट. एंड डिस्पाइट द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट ये जो मूवमेंट्स थी ये बाय द मासेस बाय द ओप्रेस्ड कम्युनिटीज देमसेल्व्स ये जो थी लड़ी गई थी. राइट. मेकिंग द टेंपल रिफॉर्म मूवमेंट अ मूवमेंट ऑफ पॉपुलर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्ट्रैंगलिंग सोशल नॉर्म्स इन कलोनियल इंडिया. राइट. सो दिस इज वेयर योर GS1 का आंसर एंड्स. राइट. प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग आंसर्स, कीप राइटिंग देम. राइट. बिकॉज इट विल ओनली एंड अप हेल्पिंग यू इन द लॉन्गर रन. ऑल्सो हमारे जो बाकी इनिशिएटिव्स है प्लीज लुक एट देम. राइट. ट्राई देम आउट. आपके ही फायदे के लिए बनाए गए हैं. राइट. स्पेशली द फ्री कोर्सेज दे आर ऑल अप ऑन यूट्यूब. प्लीज टेक you know full advantage of them. Right. Also please subscribe to the channel. Please share the channel with everyone who might need it. Right. So let's make giving UPSC a more inclusive practice ताकि हर कोई who wants to be a part of this exam and wants to give this exam वो उसकी अच्छे से तैयारी करके दे पाए. Right. Thank you and see you in the next lecture.